गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी मैं बेडरूम में आई हूँ एंड मुझे बेडशीट ठीक करनी है, सारी ब्लैंकेट को तह लगाना है। टाइम अभी हुआ है 10:30 का एंड ब्रेकफास्ट हमारा डन हो गया है, तो मैंने सोचा क्लीनिंग शुरू करती हूँ। वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम इन कैनेडा नेहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो प्यारी सी सुबह में आप सभी का स्वागत है एंड बाहर हो रही है बारिश। कल शर्मा जी मुझे बार बार बोल रहे थे कि नेहा तुम डेक को पेंट कर देना, बट मेरी इंटर्न आवाज़ ये थी कि नहीं बारिश हो जाएगी। मैंने आपको वेदर भी दिखाया था कि धूप नहीं है, धूप छाँव हो रही थी। सो यस, कल रात को बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही है एंड इतनी ज़ोर का थंडर स्टॉर्म था ना, सुबह मैं डर गई। 6 बजे मैं उठी आज, तो मैं वॉशरूम वगैरह गई, आकर लेटी ही थी, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई मैं डर गई। इवन आरव भी एकदम से उठ गया, कहता मम्मा क्या क्या हो गया, क्या हो गया, वर्ल्ड एंड हो गया। मैंने कहा तुम सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों बोलते हो? कहता मम्मा आवाज़ इतनी तेज़ थी, सीरियसली मुझे ये था बिजली गिरी है। तो मतलब बाहर देखने का मन कर रहा था, फिर सोचा कि नहीं अभी तो इतनी ज़ोर ज़ोर से चमक रही थी ना, फिर मैंने कहा हे भगवान सब कुछ ठीक हो। फिर बाद में माइंड में आया कि नहीं थंडर स्टॉर्म होगा, इतनी ज़ोर की आवाज़ सीख लिया पूछिए ही मत। या अभी बस मैंने क्लीनिंग शुरू कर रही थी, ब्रेकफास्ट हो गया, आरव लेट उठा है, अनाया और मैं पहले उठ गए थे। आरव का ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। अनाया ने आज खाया था ग्रिल चीज़ एंड मैंने खाया था एग एंड साथ में अपनी टी ली थी, है ना। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अपनी क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ, तो चलिए जी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बाहर का वेदर दिखा देती हूँ। ये देखिए काले काले बादल हो रखे हैं एंड बारिश हो रही है। अभी अभी तेज नहीं हो रही पर बूंदाबांदी फिर भी हो रही है। मुझे ये सारा एरिया क्लीन करना है, काफ़ी मैसी मैसी सा हो रखा है, मीन्स सामान बहुत ज़्यादा है। इसको सारे सामान को उठा के आज क्लीन करूँगी। फिर मतलब वो ये आज हो गया है थर्सडे, ट्यूसडे को मुझे जाना है, तो अभी सारी क्लीनिंग डीप से करनी शुरू कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक कपड़ा बिछा लिया है, सारा सामान यहीं पे रख दूँगी। ये डस्टिंग के लिए क्लॉथ लिया है क्योंकि ये अच्छे से डस्ट होगा, डस्टिंग होगी मीन्स। मैं क्लीनिंग कर रही थी ना, मुझे ये भी पेपर मिला है, मम्मा ने राखी पे भेजा था, दीदी ने, प्रिया निखिल एंड नेहा हेलो, मैं इस पत्र के साथ आपको राखी भेज रही हूँ। आप राखी वाले दिन अपने नेहा आरव और अनाया की कलाइयों पर बांध लेना। भगवान आपको सेहतमंद रखे व उन्नति की चरम सीमा पर रखे। आरव और अनाया को प्यार, योर सिस्टर सुप्रिया। एंड ये राइटिंग है मम्मा की, मम्मा की राइटिंग बहुत सुंदर है। अभी बस ये सारी चीज़ें उठा के यहाँ से डस्टिंग करते हैं। ये हमारे पास बाथ एंड बॉडी का कूपन है,
हमें तो याद भी नहीं है। सो देखिए यहाँ पे पूरा क्लीन है क्योंकि मैट था। अब यहाँ पे धूल है, इसको क्लीन कर देते हैं। ये वाला मैट ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्लीनिंग करने में भी मज़ा आता है। मैट नहीं, सॉरी, डस्टिंग क्लोथ। ये हो गया है अच्छे से क्लीन। सो अभी मैंने ये उल्टा करके बिछा दिया कपड़ा। क्या हो गया, हाय रब्बा, अपना गेम खेल रहा था, डर गया, डरा दिया इस लड़के ने, गेम में लूज हो कर गया और रोने लग गया। बच्चों के हाल देख लो। मैं ना भाग के बाहर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, इतनी जोर जोर से रो रहा है। ओह माय गॉश, इन बच्चों के इमोशंस निकलते हैं गेम्स पे अगर ये लूज हो जाते हैं, मींस टू से। मैंने कहा आर। सो ये पोर्शन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है एंड मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। जो ये वाले थे ना कंटेनर्स, ये सारे इस साइड पे थे, मैंने एक को इस साइड रख दिया है, एक को इस साइड रख दिया है। तो अभी ये अच्छे से क्लीन हो गए हैं। सो ये एरिया भी मैंने अच्छे से डस्टिंग भी कर दी है एंड क्लीन भी कर दिया है। अभी बेड की ये वाली साइड को डस्ट कर देती हूँ। चलिए जी, ये चीज़ें तो मैं दिन में कितनी बार डस्ट कर देती हूँ, मेरी ना हैबिट है। मुझे जो भी चीज़ थोड़ी सी भी डन गंदी लगती है ना, मैं साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ। ये रूम हो गया है एकदम से चकाचक। टमाटर अनाया, ये तुम यहाँ पे ले आई हो? हाँ हाँ, टमाटर। ये अनाया का ब्लैंकेट यहाँ पे क्या कर रहा है? हाय अनाया, हे अनाया। मैं उठाती हूँ ये चेयर क्योंकि आज मुझे ये वाले कैबिनेट्स क्लीन करने हैं। ये मैंने वाइप्स ले ली हैं, ये ना लेमन की वाइप्स हैं, इससे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट वाइप्स हैं। गिरना नहीं चाहती मैं। ओह, अमन ने बनाई है भिंडी की सब्जी, करते हैं इनको क्लीन। येलो येलो है, फिर वाइट वाइट हो जाएंगी। ये दोनों तो मैंने क्लीन कर दिए हैं, देखिए वाइट और वाइट हो गया ना। ये देखिए थोड़ा सा येलो येलो, चिकनाई जमा हो जाती है, बस इसको भी अभी क्लीन कर दूंगी, फिर ये भी चम चम जमा आ जाएगा। अभी मैं ये वाली स्टेप्स ले आई हूँ, इन पे चढ़ के ना वहाँ पे ऊपर करना है मुझे। ये तीनों तो हो गए हैं अच्छे से क्लीन। इस वाले पे मैंने कहा चेयर पे नहीं हो पाएगा, इससे हो जाएगा। ये देखिए कितना गंदा हो गया है, ये देखिए चिकनाई हो रखी है यहाँ पे। सो अमन ने स्टेप्स पकड़ी हुई हैं, ये देखिए कितना ना चिकनाई चिकनाई हो जाती है। पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ फिर दिखाऊंगी आपको। ये देख रहे हो आप चिकनाई, ये देखिए अब ये भी चमक गई हैं, जोर तो बहुत लग रहा है। ये वाली भी क्लीन हो गई है, माइक्रोवेव भी ऊपर से क्लीन कर दिया है। सांस चढ़ गया, अभी वहाँ तक जाना पड़ेगा मुझे। हेलो मम्मा, की कर रहे हो? क्लीनिंग। क्लीनिंग ओके, ऊपर से भी कर रही हूँ, चिकनाई हो रही है बहुत ज़्यादा। ओके ओके, मैंने पहले न्यूज़पेपर लगाए थे, पता नहीं कैसे उतर गए हैं, वहाँ पे तो लगे हुए उस साइड सारे, बट इस साइड नहीं है, लगा दूंगी आज मैं। पर ओके, हाथ दुखने लग गया मेरा। भाई ये तो क्लीन नहीं हो रहा। आई थिंक मुझे ना यहाँ पे स्क्रब सर्फ वगैरह वाली चीज दे। मेरा बच्चा अभी खाएगा खाना, 12:30 का टाइम हो रहा है। चलो कोई ना, छुट्टियाँ हैं तो बना देती हूँ इसको, अभी पराठे खाने हैं। टाइम 12:20 हो रहे हैं, पर कोई बात नहीं, ब्रंच हो गया अरब का, ये लंच ही हो गया वैसे तो, बना देती हूँ। तवा गरम है, देसी घी, आटा निकाल दिया हमने, ये है आटा। तो जी, तो किचन के कैबिनेट सारे क्लीन हो गए हैं, मैंने ऊपर से भी कर दिया क्लीन। मैंने ना न्यूज़पेपर बिछाए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, इस वाली साइड पे हैं, उस वाली साइड पे नहीं है, बस एक था
पर वो चिकनाई मैंने जैसे साफ किया, मेरे हैंड इतने स्टिकी हो गए, मतलब बड़ी मुश्किल से 4 बार मैंने अपने हैंड वॉश किए हैं, फिर अभी नॉर्मल हुए हैं। और जो स्क्रबर था वो तो मैंने गार्बेज कर दिया, जो जो भी चीज़ें यूज़ की सब गार्बेज कर दी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चिकनाई हो रखी थी ना। अभी मैं आज इनके ऊपर ना बिछाऊंगी न्यूज़पेपर, क्योंकि फिर ना क्लीन इजी हो जाता है करना। जिस जगह पे था थोड़ा सा न्यूज़पेपर वहाँ पे नीचे से क्लीन था अच्छे से, तो बस मैंने ऐसे ही वाइप किया, जल्दी हो गया। और जोर बहुत लगता है चिकनाई को साफ करने में। अभी मुझे सांस चढ़ रहा है, मैंने पानी पिया भी अभी। और अमन का थैंक यू, अमन ने सीढ़ी पकड़ी, नहीं तो डर लगता है। तो बस मैं अभी थोड़ा सा बैठती हूँ, मेरे को अभी झाड़ू लगाना है। मैंने पानी पिया, मैंने कहा 2 मिनट बैठती हूँ फिर लगाऊंगी झाड़ू, बाकी क्लीनिंग डन। मुझे खुशी है कि चलो मेरी किचन की कैबिनेट्स अच्छे से क्लीन हो गई हैं। बाकी जो सामान है, जो अंदर का सामान है, वो तो मैं कभी भी कर दूंगी, पर जो स्पेशल ऊपर चढ़ के करने वाला होता है ना, ये स्पेशल हो जाता है। पर ये हो गया क्लीन, आई एम हैप्पी, एक बहुत बड़ी वाली क्लीनिंग डन हो गई है। तो बस मैं अभी झाड़ू लगाती हूँ। खाना मैंने बना दिया आरव के लिए, आरव ने खा भी लिया ना, वो आई एम हैप्पी। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। टाइम हो रहा है 1 बजे का, 10 मिनट पहले मैं फ्री हो गई थी, बस बैठ गई थी, थकावट हो रही है अभी ज़्यादा, मेरी ना बाजू में दर्द होना शुरू हो रहा है। और बस मैं सोच रही हूँ कि अभी बैठती हूँ थोड़ी देर और, एंड भगवान का नाम लिखती हूँ। मैं आपको पता ही है राम नाम लिखती हूँ, सो अभी वो लिखूँगी। अंदर से ना ऐसे हो रहा है कि बाकी सभी काम तो डन हो गए, बट एक जो इम्पोर्टेंट काम है, मतलब जो मैं मुझे भगवान का नाम लेना होता है, लिखना होता है, वो नहीं हुआ, तो अभी मैं वो करूँगी। एंड आज मेरी किचन की कैबिनेट्स की क्लीनिंग हो गई है, कल मैंने सोचा था, आज वो काम हो गया। समटाइम्स हम प्लानिंग्स करते हैं वो कंप्लीट नहीं होती। अभी माइंड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अपना मैंने अपना कबर्ड सेट करना है, अनाया के सारा सेट करना है, आरव का करना है, शर्मा जी का, ये सभी काम करने के बाद और काम ढूंढ लूँगी। मेरे पास ना, मतलब मेरे माइंड में होता है कि अच्छा ये हो गया, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो माइंड में प्लानिंग करती रहती हूँ। सो या बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड एक कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि जितने लोग देखते हैं उनमें से हाफ लोग भी कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, मैं उन सभी के आंसर्स करूँगी। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।